आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 18 मई 2020 के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसा आपको मालूम है, भारत सरकार ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और लॉकडाउन 4 की जो डेट्स हैं वो कल होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दी थी। जो लॉकडाउन 4 है वो 18 मई से लेकर के और 31 मई तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने इस दौरान कुछ तैयारियां की हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो अब तक की व्यवस्था बनी हुई थी वो चालू रहेगी, जारी रहेगी। बस एक इसमें परिवर्तन है, जो दुकानों का और मार्केट का खुलने का समय है वो 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम्स हैं उनको भी अब खुले रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उनमें स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ खिलाड़ी ही परमिटेड होंगे। जहां तक कोरोना की बात आती है तो मैं लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि करनाल में आज एक और पॉजिटिव कोरोना का केस आया है। जो इंद्री के चौगावा गांव में एक इंडिविजुअल पॉजिटिव आया था, उसकी डॉटर का केस पॉजिटिव आया है। उसको हमने कल्पनाचाला में भर्ती करा दिया है और इलाज की प्रक्रिया जारी है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि जो 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं, एक तो सब लोग मास्क पहने, जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन करके निकलें, चाहे मार्केट में जा रहे हो या जहाँ पे भी जा रहे हो। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और तीसरा, समय समय पर हैंड सैनिटाइज करते रहें। इन चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। हमने धारा 144 भी जिले में लगा दी है और अब रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे के लिए पूरे जिले में पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। किसी को भी इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर के किसी को भी मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं रहेगी। साथ में अगर कोई बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस पे पाया जाता है, घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान किया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल अगर सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन करता हुआ पाया जाता है या पब्लिक प्लेस पे बिना दूरी बनाए रखते हुए बैठा हुआ या खड़ा हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पे हैंड सैनिटाइज करते रहें। रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे का जो कर्फ्यू है उसका पालन करें और उसका वायलेशन बिल्कुल ना करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।